सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। पूजा उपाध्याय स्वागत कर रही हूँ अपने नए ब्लॉग में। तो दोस्तों पानी की समस्या को चलते हुए फिर से पापा ने पहाड़ी गीजर आग जला के पानी रख दिया है। ये जेनी है, मेरी मम्मी को पसंद करता है सुबह सुबह खाना दो ये है ना जेनी। ये देख, पापा के साथ सुबह घूमने जाता है दोस्तों। ये सुबह सुबह आ जाता है 5 बजे। तो दोस्तों हमारे आंगन में गौरैया के बच्चे आते हैं। देखो सुबह सुबह चारा खाने मेरी मम्मी चारा डालती है। ये इन्हें ले जाओ, विलुप्त होती प्रजाति कह रहे दोस्तों। हमारे वहां तो बहुत है। हमारा पूरा मकान पुराना वाला मकान है ऊपर दोस्तों ये, तो इसके जो कोने हैं उन कोनों में छुप जाते हैं, इनके लिए घोंसले बनाए होते हैं पुराने जमाने में। और देखो दादा जैन और अब आ गई है दोस्तों गर्मा गर्म चाय सुबह की हमारी, और मम्मी साथ में सब्जी काटने भी आई है। देखो ये तो दोस्तों अभी शाम का टाइम। ओके तो ये है दोस्तों हमारी अम्मा थी इस वाले मकान में रहते थे, अब अम्मा लोग चले गए लखनऊ, तो ये बिल्कुल बंजर पड़ा है अब। बहुत बुरा लग रहा है दोस्तों, बहुत टाइम हम यहाँ रहे हैं, बहुत टाइम हमने साथ में यहाँ टाइम स्पेंड किया है अपने बुआ लोगों के साथ। आज सूखा पड़ा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। वो देखो कोना हमारे घर दिख रहा है वो। मम्मी ने आधी झाड़ियाँ काटी हैं, आधी झाड़ियाँ अभी बची हैं दोस्तों उधर को पूरा, क्योंकि बहुत बहुत झाड़ियाँ हो गई हैं। पहले आंगन हुआ करता था, यहाँ से यहाँ तक का आंगन हुआ करता था। तो ये था मकान, और जस्ट इनके बगल पे हमारे ताऊ जी का मकान है, ये देखो आप। और हमारे ताऊ जी ने बहुत अच्छा मकान बना दिया है। आज दोस्तों बारिश और आंधी तूफान आ गया है, इस वजह से देखो कितने सारे आम गिर रहे हैं दोस्तों। देखो आम गिर रहे हैं, ये आम गिर रहे हैं। और एक चीज़ और दिखाती हूँ तुमको, हमारे पहाड़ का सिलबट्टा ये देखो, इसमें हम नमक पीसते हैं, भड़ पीसते हैं। पहले से जब मिक्सी नहीं हुआ करती थी तब हम इसी में पिसाई करते थे, इसको सिल बोलते हैं, इसको बट्टा बोलते हैं। और ये हमारे ताऊ जी ने बिल्कुल नया मकान बना दिया है, पहले हमारे ताऊ जी का पुराना मकान हुआ करता था, अब हमारे ताऊ जी ने बहुत बढ़िया किया है। ताऊ जी भी आप बहुत सुस्त हो गए हैं हमारे। ये ताऊ जी का नाती है हमारे बीवन भैया का लड़का, और अभी छोटे भाई की शादी नहीं हुई है, ये भी बाहर ही रहता है, आम खा रहा है दोस्तों। देखो ये आम खा रहा है, ये खट्टे खट्टे। और कुछ इस तरह से हमारे ताऊ जी के छत से आंगन से व्यू दिख रहा है, ये देखो आप। ये काकड़ा वाला गांव है, उसके ऊपर अमतोड़ा गांव है दोस्तों,
तो ऊपर को तो बहुत सारे गांव हैं जिसकी गिनती अभी मुश्किल ही है बता पाना आपको। ये देखो, और ये पुराने आंगन हुआ करते थे दोस्तों। देखो, पत्थर बिछा के पहले ऐसे आंगन हुआ करते थे, अब तो खैर सीमेंट डाल दिया लोगों ने, पहले ऐसे आंगन हुआ करते थे। ऐसे ही पत्थर छत के ऊपर भी लगते थे, आंगन में भी लगते थे। हाँ, पुराने पहले बहुत सारे लोग थे यहाँ पे। देखो, अब इधर उधर लोगों ने घर बना दिए हैं, कोई कहीं चले गए हैं, कोई कहीं चले गए हैं। तो ये देखो, आप पूरे खंडर हो चुके हैं दोस्तों। ये देखो, सब खत्म हो गए, सब छोड़ दिया सब। हमारे ताऊ जी बहुत अच्छा जागर लगाते थे दोस्तों, अगर ऐसा मौका होता तो आपको दिखाती, बट हाँ ओ को हरिश्चंद्र भट्ट जी बहुत अच्छा जागर लगाते थे। हम ताऊ जी का जागर देखते थे दोस्तों, बहुत शिद्दत से सुनते थे। बड़े जानकार है, कौन है, लोग दूर दूर से आते हैं, लगी रहती है वो। ताऊ जी का बहुत नाम था दोस्तों। देखो कितने सारे आम गिर रहे हैं, इतना बड़ा पेड़ है ताऊ जी के आम का ही। कपकोट पे ना आगो इफ ना आगो यहाँ रगो बस ये सब कुछ यहाँ मामले ऐसा कुछ नहीं बने दिशा कुण छु जा सबसे लास्ट में दीवाल जब सब जाग दीवाल तभी बाद यहाँ दीवाल कुने ऐसा रहो। तो दोस्तों बारिश आ गई है और अब मैं भाग रही हूँ दोस्तों घर को, क्योंकि फिर आएगी तो बहुत तेज आएगी। आ गई आंटी, बारिश आ गई, आ गई बारिश। आ गई बारिश, ए बारिश आ गई। मेरा डांस कर, मेरा डांस कर, बारिश आ गई, बारिश आ गई। ओके ओके ओके, बारिश आई। हाँ? आज का रोपाई होती थी दोस्तों, रोपाई। ये मेरी दो घुमक्कड़ बहन है दोस्तों, घूम के आ गए बिगड़ कुछ सामान लिए। हाँ, मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू। तो दोस्तों आ गई है बारिश, बहुत तेज धूप, धूल धक्कड़। देखो तुम, मेरी बहन के बन रहे हैं रील्स, ये देख सकते हो आप कैसा मौसम हो गया ऊपर। मेरा फोन भी हिल रहा है दोस्तों। आज हमें लीची गुरी नहीं सब। आपका सूट का कलर फ्लोरो के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है सिस्टर। हम डाल देंगे,
हाय 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 तो दोस्तों बारिश आने के बाद थोड़ा थोड़ा पेड़ों को राहत मिल गई है। जो बेचारे पूरे सूख गए थे वो अब थोड़े से उठ गए हैं बारिश की बूंदों से। आगे चलिए बंदा, देखो आप ये गेहूँ धान और मक्के वो रखे हैं, देखो सुंदर सा सुहाना व्यू और थोड़ी थोड़ी ठंडी भी होने लगी है दोस्तों। बारिश आने के बाद का व्यू, ये है दोस्तों मेरा घर। कितने सुंदर पेड़ लगा रखे हैं मेरे पापा जी ने, 100 पीस के पेड़ हैं ये देखो। हमारे घर के ऊपर को एंटर करते ही 2 पेड़ों की कटिंग कर रखी है मेरे भाई ने, इसको थोड़ा अलग सेव दे रखा है और बाकियों को अलग अलग सेव दे रखी है। सबको देखो बहुत सारे लगा रखे हैं यहाँ से भी, और ये देखो ये तो बहुत सुंदर लगते हैं दोस्तों, चारों के चार ऐसे कटिंग कर रखी है।